सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मेरा इस चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज मैं जा रहा हूँ ओटी का मेन टाउन, वहाँ पे क्या वो मार्केट कैसा होता है, फिर उसका बस स्टैंड कैसा है, सब आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए जाते हैं, देखते हैं उधर का मार्केट कैसा है, टाउन में कैसा ट्रैफिक है, वो सब देखते हैं। गाइस, मैं अभी बस स्टैंड पे आ गया हूँ। तो इधर से अभी ओटी का मेन बस स्टैंड पे जाने के लिए बस पे जाना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल बस तो अभी नहीं आया है, अभी बस आएगा तो बस पे जाऊँगा, फिर उधर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, पूरा 30 मिनट वेट करने के बाद एक बस आया अभी, तो बस में बैठ गया हूँ। अभी इधर से अभी 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर में तो पहुँच जाऊँगा। गाइस, बस स्टैंड हम पहुंच चुके हैं अभी, तो आपको बस स्टैंड दिखाता हूँ। इधर का मेन टाउन, इधर से एक जाता है रास्ता, और उधर वो लेफ्ट साइड में एक रास्ता है, उधर से एक जाते हैं। तो गाइस, सेफ्टी बहुत जरूरी है, तो मैं पहले मास्क लगा लेता हूँ। अभी चलते हैं टाउन के अंदर और मार्केट भी जाएंगे अभी, तो मार्केट भी दिखाऊंगा आपको। तो गाइस, तो मैं अभी और एक अलग वाला रोड पे आ चुका हूँ। इधर से मार्केट जाने के लिए थोड़ा पास में होता है, बहुत दूर नहीं होता है, तो अलग वाला रोड से जाएंगे। मैं अभी मार्केट का मेन गेट पे आ चुका हूँ, तो इधर से अभी पीछे का व्यू दिखाता हूँ आपको। इधर एक मंदिर है। गाइस, मैं अभी मार्केट से बाहर आ चुका हूँ, और इधर का ट्रैफिक तो बहुत है। गाइस, आपको दिखाता हूँ।
इससे पहले जो ब्लॉग अपलोड किया था वो ब्लॉग में बोल चुका हूँ कि इधर हर टाइम बारिश होता है, तो बारिश भी अभी स्टार्ट हो गया है। हर टाइम बारिश होता है, इतना भीग भीग के अभी बस स्टैंड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं। इधर तो बहुत खतरनाक वाला बारिश स्टार्ट हो गया है, मेरे को लगता है आज मैं पूरा भीग जाऊंगा, पूरा रोड गीला हो गया। पर नजारा तो पूरा शानदार है दोस्तों, पूरा रोड गीला हो गया, बहुत बारिश है। तो गाइस, तो अभी बारिश तो और ज्यादा ही हार्ड हो रहा है, पूरा रोड खाली हो गया, इतना बारिश हो रहा है। ओनली जिसकी कार बाइक ऐसे ही जा रहा है, कोई पैदल नहीं चल रहा है, सिर्फ मैं ही चल रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ, सिर्फ मैं अकेला रोड पे चल रहा हूँ और कोई नहीं है, सब बारिश की वजह से सब साइड साइड हो गई है। नजारा तो शानदार है दोस्तों, वंदे मातरम। तो फाइनली गाइस, मैं बस स्टैंड अभी पहुंच चुका हूँ, तो इधर से अभी बस में और फिर जाना पड़ेगा आगे। बहुत ठंड है यार, चाय पीना पड़ेगा, ठंड में तो चाय पीने के लिए अच्छा लगता है। तो गाइस, हमारा टी अभी पीना खत्म हो चुका है, तो अभी तो ये है इधर का बस स्टैंड, तो उनको कुनूर का बस में बैठना है अभी। फ्रेंड, मैं अभी बस पे बैठ गया हूँ, तो अभी बस कितना टाइम लगाएगा। अरे यार, इधर से तो और शानदार व्यू आता है, आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। तो ये है इधर का मेन बस स्टैंड। बस में कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ, अभी क्या करूँगा समझ में नहीं आ रहा। बस अब कितना टाइम लगाएगा, भूख भी लग रहा है, जाके खाना पड़ेगा। पूरा बस मिनट या 15 मिनट वेट करने के बाद छूट चुका है, तो बस स्टैंड से अभी निकल गए। Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, yeah.
गाइस मैं बस से उतर चुका हूँ, अभी इधर से एक बॉल परचेस करना है, तो बॉल परचेस करके मैं अपने घर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। तो आज का ब्लॉग मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। तो अगर आपको ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।